हे गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका मेनली तीन पार्ट है। जैसा ये पहला हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तीसरा डेथ ऑफ ए पार्टनर। पास्ट एग्जाम में तीनों ही चैप्टर से एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था, लेकिन 2021 का जो एग्जाम है वहाँ पे सिलेबस रिड्यूस्ड किया हुआ है, तो उसमें सिर्फ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको हटाया गया है। वहाँ से थ्योरी आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डेथ ऑफ ए पार्टनर का आप लोग को नहीं करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट और लॉस सेम रेशियो, जहाँ पे पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट लॉस सेम रेशियो है चेंज होता है। ठीक है, ये कब कब होता है? जब एक पार्टनर का एडमिशन होगा, दूसरा जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, या किसी एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग का जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस सेम रेशियो था उसको अब हम लोग चेंज करेंगे। ना एडमिशन हुआ, ना रिटायरमेंट हुआ, ना डेथ हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस सेम रेशियो अब चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मिला जुला का टोटल चार सिचुएशन होता है जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों सेम चीज़ है। ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रेशियो चेंज होता है और जो पुराना पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो जाता है, नया पार्टनरशिप डीड बनता है। लेकिन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप को टोटली बंद कर दिया जाता है, बिजनेस को वहाँ शट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो हम लोग का डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो और डेथ ऑफ पार्टनर, तो आप लोगों को करना नहीं। इसमें मेन टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चौथा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पांचवा जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। इन सबको एक एक करके हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।